हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में जो है, आप सब लोग यहाँ पे शेयर चैट का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में बार बार जो है चैट रूम का जो नोटिफिकेशन है वो आने लगता है। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन बार पे, यहाँ पे जो चैट रूम है उसका मैसेज यहाँ पे बार बार आपको नोटिफिकेशन पे देखने को मिलता है। तो आप उस नोटिफिकेशन को कैसे बंद कर सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज़, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने को बोला जाएगा, तो लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो अपने अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग करके लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर फिर से स्लाइड करनी है और यहाँ पे आपको जो है चैट रूम करके ऑप्शन आ रहा है वो आपके फ़ोन में इस तरीके से इनेबल रहेगा। तो आपको यहाँ पे उसको जो है इस तरीके से क्लिक करके इसको डिसेबल कर लेना है। जैसे ही गाइज आप सभी लोग यहाँ पे इसको डिसेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में जो चैट रूम है उसका नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन पैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आप सभी लोग जो अपने फ़ोन में चैट रूम का जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।